हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शोभा जौहरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज मैं BSc पार्ट थर्ड के बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए बॉटनी के पेपर थर्ड में स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल बताने जा रही हूँ। इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है तो देखिए, इन सीड प्लांट्स ओव्यूल इज़ द स्ट्रक्चर दैट गिव राइज टू एंड कंटेन्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। अर्थात जो भी सीड प्लांट्स होते हैं, यानी कि एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नियोस्पर्म्स, ओव्यूल वो स्ट्रक्चर है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स को बनाता है। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स इंटेग्यूमेंट्स फॉर्मिंग द आउटर लेयर, द न्यूसेलस और रेमनेंट ऑफ द मेगास्पोरिंजियम एंड द फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म्ड फ्रॉम द हैप्लॉइड मेगास्पोर इन इट्स सेंटर। इसके तीन भाग होते हैं, देखिए, इंटेग्यूमेंट, न्यूसेलस एंड मेगास्पोर। ये तीन पार्ट होते हैं। द फीमेल गैमेटोफाइट, स्पेसिफिकली टर्म्ड मेगा गैमेटोफाइट, इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक इन द एंजियोस्पर्म्स। देखिए, ये जो पार्ट होता है, ये देखिए, ये जो ओव्यूल है एक फ्लावर का, ये ओवरी पार्ट है। ये जो है, ये ओवरी पार्ट है, यहाँ पे ये ओवरी है। तो इसमें ओव्यूल यहाँ बीच में सेंटर में ही प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और इस ओव्यूल के, जैसे अभी आपको बताया, तीन पार्ट हैं, इंटेग्यूमेंट, न्यूसेलस एंड फीमेल गैमेटोफाइट। आगे देखते हैं, मेगा गैमेटोफाइट प्रोड्यूसेस एन एग सेल फॉर द पर्पस ऑफ फर्टिलाइजेशन। मेगा गैमेटोफाइट फर्टिलाइजेशन के लिए एग सेल प्रोड्यूस करता है। लोकेशन ऑफ ओव्यूल इनसाइड ए हिलोबोरस फ्रूटिडस फ्लावर। एक फ्लावर में, एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में ओव्यूल कहाँ पर लोकेटेड है, ये आपको बताते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट द ओव्यूल इज लोकेटेड इनसाइड द पोर्शन ऑफ फ्लावर कॉल्ड द गायनोशियम। गायनोशियम आप समझते ही होंगे, एक फ्लावर का पार्ट होता है, स्त्री केसर जिसको हिंदी में कहते हैं, और उसके बिल्कुल लोअर मोस्ट पोजीशन पर ओवरी प्रेजेंट होती है, और ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स हो सकते हैं। द ओवरी ऑफ द गायनोशियम प्रोड्यूसेस वन और मोर ओव्यूल्स एंड अल्टीमेटली बिकम्स अ फ्रूट वॉल। जो ओवरी की वॉल होती है वो आगे चल करके फ्रूट की वॉल बनाती है, और जबकि जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड्स बनाते हैं। ओव्यूल्स आर अटैच टू द प्लेसेंटा इन द ओवरी थ्रू अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर नोन एज फ्यूनिकुलस। ओव्यूल्स ओवरी वॉल से, जिस स्ट्रक्चर से जुड़े हुए होते हैं, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं फ्यूनिकुलस। डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ ओव्यूल अटैचमेंट और प्लेसेंटेशन कैन बी फाउंड अमंग प्लांट स्पीशीज। दीज इंक्लूड एपिकल प्रेजेंटेशन, द प्लेसेंटा इज एट द एपेक्स या टॉप ऑफ द ओवरी, सिंपल और कंपाउंड ओवरी। तो ओव्यूल के ओवरी वॉल से अटैच होने के पैटर्न देखिए निम्न प्रकार के हो सकते हैं। एग्जाइल प्लेसेंटेशन, एग्जाइल प्लेसेंटेशन में ओवरी इज डिवाइडेड इनटू रेडियल सेगमेंट्स विद प्लेसेंटास इन सेपरेट लॉक्यूल्स। अब देखिए, इसमें जो एक ओवरी होती है उसमें कई सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। वेंट्रल सूचर ऑफ द कार्पल्स मीट एट द सेंटर ऑफ द ओवरी एंड द प्लेसेंटे आर अलॉन्ग फ्यूज मार्जिन्स ऑफ द कार्पल्स, टू और मोर कार्पल्स, जैसे कि हिबिस्कस, सिट्रस एंड सोलनम में देखा जाता है। आगे चल के इनके आपको मैं डायग्राम भी बताऊंगी। बेसल प्रेजेंटेशन, द प्लेसेंटा इज एट द बेस या बॉटम ऑफ द ओवरी ऑन द प्रोट्रूजन ऑफ द थैलेमस या रिसेप्टिकल। सिंपल और कंपाउंड कार्पल यूनिलॉक्युलर ओवरी, इसके एग्जाम्पल्स हैं सोंकस, हिलियंथस एंड कंपोजिटी फैमिली के मेंबर्स। फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन इज डिराइव फ्रॉम एग्जाइल प्रेजेंटेशन, पार्टीशंस आर एब्जॉर्ब्ड, लिविंग ओव्यूल्स एट द सेंट्रल एक्सिस एंड कंपाउंड यूनिलॉक्युलर ओवरी। यहाँ पे देखिए, ये और प्रकार के प्रेजेंटेशन बताए गए हैं। अब देखिए, ये देखिए, ये है मार्जिनल प्रेजेंटेशन जो कि टिपिकल लेग्यूमिनेसी फैमिली का प्रेजेंटेशन होता है।
ये आपको पहले मैं एग्जाइल प्रेजेंटेशन बता देती हूँ। ये एग्जाइल प्रेजेंटेशन है और इसमें ये देखिए ओवरी जो है ये इसके तीनों इसमें पार्टीशंस हैं और बीच में ये तीनों आकर के मिल रहे हैं और इन पे ही ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं। इसके बाद में देखिए ये देखिए बेसल प्रेजेंटेशन है। यहाँ पे नीचे बेस पे लगा हुआ एक ओव्यूल है ओवरी वॉल पर, और यहाँ पर भी वही है देखिए सेम, ये यहाँ भी सेम है। तो ये बेसल प्रेजेंटेशन है। मार्जिनल प्रेजेंटेशन ये लेग्यूमिनेसी या मटर की फैमिली में देखने को मिलता है। ये यहाँ पर एक साइड से अटैच्ड हैं सारे ओव्यूल्स। इसका अगर सेक्शन काटेंगे तो हमें इस तरह से दिखाई पड़ेगा, सेक्शन इस तरह से दिखाई पड़ेगा। तो ये कहलाता है मार्जिनल प्रेजेंटेशन। मार्जिनल प्रेजेंटेशन इज सिंपलेस्ट टाइप। देयर इज ओनली वन इलॉन्गेटेड प्लेसेंटा ऑन वन साइड ऑफ द ओवरी एज ओव्यूल्स आर अटैच्ड एट द फ्यूजन लाइन ऑफ द कार्पल्स मार्जिन्स। दिस इज कॉन्स्पिक्यूअस इन रेग्यूम्स सिंपल कार्पल यूनिलोक्युलर ओवरी। एग्जाम्पल इज पाइसम या मटर। पेराइटल प्रेजेंटेशन। पेराइटल प्रेजेंटेशन देखिए यहाँ पर ये है, आपको मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ पहले। ये पेराइटल प्रेजेंटेशन है अर्थात इसमें ओवरी वॉल जो है ओवरी वॉल के ऊपर ही लगे हुए ओव्यूल्स होते हैं। ये देखिए ये ओव्यूल्स लगे हुए हैं इसमें यहाँ पे। तो ये कहलाता है पेराइटल प्रेजेंटेशन। प्लेसेंटे ऑन द इनर ओवरी वॉल विद इन अ नॉन सेक्शन ओवरी कॉरेस्पॉन्डिंग टू फ्यूज कार्पल मार्जिन्स टू और मोर कार्पल्स यूनिलोक्युलर ओवरी। एग्जाम्पल ब्रेसिका। सुपरफिशियल सिमिलर टू एग्जाइल बट प्लेसेंटे आर ऑन इनर सर्फेसिस ऑफ द मल्टीलोक्युलर ओवली ओवरी। एग्जाम्पल इज निम्फिया। ये देखिए ये सुपरफिशियल ओवरी। ये इसमें देखिए कई सारे पार्टीशंस हैं, मल्टीलोक्युलर है और हर एक लॉक्यूल में बहुत सारे मैनी ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इन जिम्नोस्पर्म सच एज कोनीफर्स ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन द सरफेस ऑफ एन ओव्यूलिफेरस स्केल यूजुअली विद इन एन ओव्यूलेट कोन ऑल्सो कॉल्ड एज मेगा स्ट्रॉबिलस। जिम्नोस्पर्म में देखिए ओव्यूल्स जो होते हैं वो किसी फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर के अंदर नहीं होते हैं बल्कि एक ओव्यूलिफेरस लीफ लाइक स्ट्रक्चर पर प्रेजेंट होते हैं। और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स कई सारी आपस में मिल करके एक कोन बना लेती हैं जिसको कि मेगा स्ट्रॉबिलस भी कहते हैं। इन अर्ली एक्सटिंक्ट सीड फर्न्स ओव्यूल्स वर बॉर्न ऑन सरफेस ऑफ द लीव्स। इन मोस्ट रिसेंट ऑफ दिस टैक्सा अ क्यूप्यूल अ मॉडिफाइड ब्रांच और ग्रुप ऑफ ब्रांचेस सराउंडेड बाय द ओव्यूल है ना ये पाया जाता है। एग्जाम्पल है कैटोनिया एंड ग्लॉसोप्टेरिस। ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये जिम्नोस्पर्म्स के ही एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए एक टिपिकल स्ट्रक्चर आपको ओव्यूल का बता देती हूँ मैं। ये है एक टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और इसमें देखिए डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये है वन, ये टू, थ्री, फोर। जो वन है ये अंदर का जो पार्ट होता है ये कहलाता है न्यूसेलस। ये बिल्कुल सेंटर का पार्ट न्यूसेलस है, जबकि ये वाला पार्ट कैलेजा कहलाता है। ये कैलेजा पार्ट है अर्थात ये जो माइक्रोपाइल होता है, माइक्रोपाइल ये जो माइक्रोपाइल है इसका बिल्कुल अपोजिट एंड जो होता है वो कैलेजा कहलाता है। और ये जो पार्ट है जहाँ से ये ओव्यूल अटैच रहता है अपने प्लेसेंटा से इसको कहते हैं फ्यूनिकुलस। एंड फोर्थ पार्ट इज राफे। ये एक टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, आउटलाइन डायग्राम। ये देखिए डिफरेंट मॉडल्स हैं जो इसमें एक ओव्यूल में माइक्रोपाइलर एंड कैलेजा एंड फ्यूनिकुलस की पोजीशन पर बेस्ड ये डिफरेंट टाइप के मॉडल्स ऑफ ओव्यूल्स हैं। ये देखिए हाँ इसमें देखिए एक है ऑर्थोट्रॉपस एनाट्रॉपस कैम्पाइलोट्रॉपस टाइप के ओव्यूल्स।
ओव्यूल ओरिएंटेशन मे बी एनाट्रोपस सच एज सच दैट व्हेन इन्वर्टेड द माइक्रोपाइल फेसेस द प्लेसेंटा. दिस इज द मोस्ट कॉमन ओव्यूल ओरिएंटेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. एम्फीट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस और ऑर्थोट्रोपस या एनाट्रोपस आर कॉमन एंड माइक्रोपाइल इज इन डाउनवर्ड पोजिशन एंड कैलेजल एंड इन द अपर पोर्शन. हैंस इन एम्फीट्रोपस द एनाट्रोपस अरेंजमेंट इज टिल्टेड 90 डिग्रीज एंड इन ऑर्थोट्रोपस इट इज़ कम्प्लीटली इन्वर्टेड. द ओव्यूल अपीयर्स टू बी अ मेगास्पोरेंजियम विद द इंटेग्यूमेंट सराउंडिंग इट. ओव्यूल में एक मेगास्पोरेंजियम होता है जो जिसके कि चारों तरफ इंटेग्यूमेंट्स होती हैं. ओव्यूल्स आर इनिशियली कंपोज ऑफ डिप्लॉइड मटीरियल मटर्नल टिश्यूज विच इंड्यूसेस अ मेगास्पोरोसाइट. ओव्यूल के अंदर जो मेन सेल्स होती हैं वो डिप्लॉइड होती हैं और इसी के अंदर ही एक सेल मेगा स्पोरोसाइट सेल होती है जो कि एक वही एक सेल मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन करती है और उस अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बनी चार सेल्स में से तीन ऑब्लिटरेट हो जाती हैं और एक जो रह जाती है सिंगल हैप्लॉइड सेल वो मेगा स्पोर की तरह एक्ट करती है. मेगा स्पोर की तरह एक्ट करती है. मेगास्पोर रिमेन इनसाइड द ओव्यूल एंड डिवाइड बाय माइटोसिस टू प्रोड्यूस द हैप्लॉइड फीमेल गैमेटोफाइट और मेगा गैमेटोफाइट. ये एक सिंगल सेल ही जो है वो डिवाइड करती है, इसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है और जो पूरी जो सेल है वो मेगा गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट कहलाती है. द रेमनेंट्स ऑफ द मेगास्पोरेंजियम टिश्यू द न्यूसेलस सराउंड द मेगा गैमेटोफाइट. न्यूसेलस जो है उस मेगा गैमेटोफाइट को सराउंड करता है. मेगा गैमेटोफाइट प्रोड्यूसेस आर्किगोनिया विच प्रोड्यूस एग सेल्स. इस मेगा गैमेटोफाइट में आर्किगोनिया बनते हैं जो जिसमें कि एग सेल बनती है. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल कंटेन्स अ डिप्लॉइड जायगोट एंड देन आफ्टर सेल डिवीजन बिगिंस द एम्ब्रियो ऑफ द नेक्स्ट स्पोरोफाइट जनरेशन. फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल एक डिप्लॉयड जायगोट में कन्वर्ट हो जाता है और उसी से ही फिर आगे एम्ब्रियो फॉर्मेशन की शुरुआत होती है. इन फ्लावरिंग प्लांट्स अ सेकेंड स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूजेस विद अदर न्यूक्लियाई इन द मेगागेमेटोफाइट फॉर्मिंग अ टिपिकली पॉलीप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू विच सर्व एज नरिशमेंट फॉर द यंग स्पोरोफाइट. एंजियोस्पर्म में मेल गैमिट एक मेल गैमिट एग सेल से फ्यूज होता है लेकिन दूसरा मेल गैमिट एक और न्यूक्लियस से सेंट्रल न्यूक्लियस से फ्यूज़ होता है. जो ये जो दूसरा न्यूक्लियस सेंट्रल न्यूक्लियस से जो फ्यूज़ होता है उससे आगे चल करके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है और ये एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रदान करता है. ये देखिए एक टिपिकल ओव्यूल का स्ट्रक्चर है ये पूरा और इसमें मैं आपको डिफरेंट पार्ट्स दिखाती हूँ. देखिए ये माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल ये वाला माइक्रोपाइल है और ये देखिए ये इंटेग्यूमेंट आ गई. ये ओवरी की वॉल अर्थात ये आगे चल करके फ्रूट की वॉल बनाएगी. ये फ्यूनिकुलर साइड जहाँ से अटैच्ड है और ये पूरा पार्ट जो है ये पूरा पार्ट ये ओव्यूल है. इस ओव्यूल में ये अंदर ये देखिए न्यूसेलस है, ये पूरा पार्ट न्यूसेलस भी है और इसके अंदर ये एक सिंगल मेगास्पोर है, ये मेगास्पोर है. तो इस तरह से ये एक टिपिकल ओव्यूल का स्ट्रक्चर है और यहाँ पर आप देखेंगे ये स्टाइल वगैरह आगे चल कर के ऊपर स्टाइल स्टिग्मा बना हुआ से ये जुड़ा हुआ होता है. जिम्नोस्पर्म का देख लीजिए, जिम्नोस्पर्म में भी ये देखिए न्यूसेलस है, ये मेगास्पोरोसाइट है, ये माइक्रोपाइल है, इंटेग्यूमेंट है. तो लगभग लगभग स्ट्रक्चर यहाँ पर सेम होता है लेकिन ये जो ओव्यूल है जिम्नोस्पर्म में ये फ्रूट के अंदर नहीं होता है या किसी ओवरी के अंदर ओव्यूल नहीं होता है, ये डायरेक्टली इस ओव्यूलिफेरस स्केल पर लगे हुए होते हैं.
प्लांट ओव्यूल्स जिम्नोस्पर्म ओव्यूल ऑन लेफ्ट एंड एंजियोस्पर्म जो है वो राइट साइड में दिखाया गया है। एन इंटेग्यूमेंट इज ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सेल सराउंडिंग द ओव्यूल। ये हमें पता ही है, इंटेग्यूमेंट ओव्यूल को प्रोटेक्टिव लेयर प्रदान करती है। जिम्नोस्पर्म्स टिपिकली हैव वन इंटेग्यूमेंट यूनिटैग्मिक कहलाते हैं, वाइल एंजियोस्पर्म्स टिपिकली हैव टू इंटेग्यूमेंट्स जो कि ये बाइटैग्मिक कहलाते हैं। द इवोल्यूशनरी ओरिजिन ऑफ इनर इंटेग्यूमेंट विच इज़ इंटीग्रल टू द फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल्स फ्रॉम द मेगास्पोरेंजिया हैज़ बीन प्रपोज टू बी बाय एनक्लोजर ऑफ ए मेगास्पोरेंजियम बाय स्टेराइल ब्रांचेस, जिसको कि टीलोम्स भी कहते हैं। एल्केन्सिया अ प्रोटेक्टिव टैक्सॉन हैज़ ए लोब्ड स्ट्रक्चर फ्यूज टू द लोअर थर्ड ऑफ द मेगास्पोरेंजियम विद द लोब्स एक्सटेंडिंग अपवर्ड्स इन अ रिंग अराउंड द मेगास्पोरेंजियम। दिस माइट थ्रू फ्यूजन बिटवीन लोब्स एंड बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड द मेगास्पोरेंजियम हैव प्रोड्यूस एन इंटेग्यूमेंट। द ओरिजिन ऑफ द सेकेंड और आउटर इंटेग्यूमेंट हैज़ एन एरिया ऑफ एक्टिव कंटेंशन फॉर सम टाइम। द क्यूप्यूल्स ऑफ सम एक्सटिंक्ट टैक्सा हैव बीन सजेस्टेड एज द ओरिजिन ऑफ द आउटर इंटेग्यूमेंट। अ फ्यू एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस वैस्कुलर टिश्यू इन आउटर इंटेग्यूमेंट्स द ओरिएंटेशन ऑफ विच सजेस्ट दैट द आउटर सरफेस इज मॉर्फोलॉजिकली एबैक्सियल। दिस सजेस्ट दैट क्यूप्यूल्स ऑफ द किन प्रोड्यूस्ड बाय द कैटोनियल्स एंड ग्लॉसोप्टेरिडल्स मे हैव इवॉल्व इन टू आउटर इंटेग्यूमेंट ऑफ इन एंजियोस्पर्म्स। द इंटेग्यूमेंट्स डेवलप इन टू द सीड कोट वेल द ओव्यूल मैच्योर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। द इंटेग्यूमेंट्स डू नॉट इनक्लोज एंड न्यूसेलस कम्प्लीटली बट रिटेन एन ओपनिंग एट द अपेक्स रेफर टू एज द माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल ओपनिंग अलाउज द पोलन या मेल गैमेटोफाइट टू एंटर द ओव्यूल फॉर फर्टिलाइजेशन। इन जिम्नोस्पर्म द पोलन ड्रॉन इन टू द ओव्यूल ऑन अ ड्रॉप ऑफ फ्लूइड दैट एक्सूड्स आउट द माइक्रोपाइल द सो कॉल्ड पॉलिनेशन ड्रॉप मैकेनिज्म। सब्सिक्वेंटली द माइक्रोपाइल क्लोजेज एंड इन एंजियोस्पर्म ओनली अ पोलन ट्यूब एंटर्स द माइक्रोपाइल। ड्यूरिंग जर्मिनेशन द सीडलिंग्स रेडिकल इमर्जेस थ्रू द माइक्रोपाइल। लोकेटेड अपोजिट फ्रॉम द माइक्रोपाइल इज द कैलिजा वेयर द न्यूसेलस इज जॉइंट टू द इंटेग्यूमेंट्स। न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द प्लांट ट्रेवल थ्रू द फ्लोएम ऑफ द वेस्कुलर सिस्टम टू द फ्यूनिकुलस एंड द आउटर इंटेग्यूमेंट फ्रॉम देयर एपोप्लास्टिकली एंड सिम्प्लास्टिकली थ्रू द कैलिजा टू द न्यूसेलस इनसाइड द ओव्यूल। इन कैलिजोगैमस प्लांट्स द पोलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल थ्रू द कैलिजा इंस्टीड ऑफ माइक्रोपाइल ओपनिंग। तो ये आज आपको मैं ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाह रही थी। ये स्ट्रक्चर था और इसमें जो ओपनिंग्स हैं या फर्टिलाइजेशन कैसे होता है ये भी मैंने आपको आज बताया। थैंक यू।